नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए कौन सा असाइनमेंट जमा करना है और अप्रैल 2021 एग्ज़ाम के लिए कौन सा असाइनमेंट जमा करना है। तो चलिए मैं आपको NIS के ऑफिशियल वेबसाइट में ले चलता हूँ और फिर मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TMA कहते हैं, 2020 और 21 दसवीं का आ गया है। 2020 और 21 सेशन का TMA आ गया है और यह TMA सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो अप्रैल 2021 में जिनका एग्ज़ाम होना है वो विद्यार्थी ये TMA को करेंगे, और जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में होना है वो TMA करेंगे 2019 और 20 वाला, 2019 और 20 वाला ही अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए जमा होंगे। अभी 12th का 2021 के लिए नहीं आया है, आप देख सकते हैं। 2021 के लिए 12th क्लास का नहीं आया है, सिर्फ 10th क्लास का आया हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों को असाइनमेंट बनाना है अप्रैल एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये PDF फॉर्मेट में होता है, इसमें हम क्लिक करें, सके हिंदी में क्लिक किए हिंदी का असाइनमेंट खुल गया है मेरे सामने। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो कितने कितने नंबर के होते हैं हर क्वेश्चन, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको हम हिंदी में शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी सेकेंडरी कोर्स के लिए है, ये 2020 और 21 के लिए है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र की उत्तर पुस्तिका कहाँ तैयार करें। इस पुस्तिका में आपको प्रत्येक विषय में एक मूल्यांकन पत्र प्राप्त होगा। आपको अपने लिखावट में अपने चुने हुए विषयों में ही मूल्यांकन पत्र तैयार करने हैं। जी हाँ विद्यार्थी, अगर आपने 5 सब्जेक्ट चुने हुए हैं तो जिन जिन सब्जेक्ट का आपने चुना हुआ है उन्हीं सब्जेक्टों को का असाइनमेंट आपको जमा करना है, और ये सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट जमा करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के जैसा है कि होम साइंस में होगा, पेंटिंग में होगा, हिंदी में इंग्लिश में जमा नहीं करना है, ऐसा नहीं। जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं, टोटल 6 लिए हैं, 7 लिए हैं, तो 7 सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा करना होता है। मूल्यांकन पत्र की उत्तर पुस्तिका तैयार करने के लिए एक तरफ वाले कागज़ का प्रयोग करें, हाँ वन साइड लाइन वाली जो लूसीट आती है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनमें आप ब्लैक और ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर उसका लिख सकते हैं। और ये जमा कहाँ करना है, जमा आपको AI सेंटर यानी कि अध्ययन केंद्र जिसको कहते हैं हिंदी में, AI सेंटर पे जमा करना है, एक्सपीडिशन सेंटर पे। अगर आपका एक्सपीडिशन सेंटर बंद है तो आप घबराएं नहीं, आप अपने रीजनल सेंटर में डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कोरियर के द्वारा भी सबमिट करना चाहते हैं तो पर भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि टाइम से पहले वो कोरियर पहुँच जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि विजिट करके ही आप सबमिट। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हर क्वेश्चन में कितने कितने अंक होते हैं। तो प्रश्न 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्न जो होते हैं ये लघु उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, यानी छोटे छोटे उत्तर जो कि 40 से 60 वर्ड के जो होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो मिलते हैं हमें 2+2+2, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तीनों क्वेश्चन को 3-3 2-2 नंबर करके दिया गया है। अगर आप
पहला क्वेश्चन बनाते हैं दो नंबर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन का दो नंबर, तीसरा क्वेश्चन का दो नंबर, टोटल 6 अंक मिलता है हमें ये प्रश्न वाले। और दीर्घ प्रश्न वाले जो 100 से 150 के बीच में आती है वर्ड, 100 से 150 के बीच में जो शब्द आते हैं उनको हम दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। तो ये 4-4 नंबर का होता है, यानी कि 4 नंबर का आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी 4 नंबर उसमें भी मिलेगा। तो 4 और 4 8 हो गया, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड में 6 नंबर मिलेगा। अब 4 और 5th में 4-4 यानी कि 8 नंबर हो गया। तो 6 और 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 14। 14 के बाद अब जो छठा क्वेश्चन जिसको हम परियोजना वर्ग कहते हैं, अगर आप उसको करते हैं तो उसमें आपको 6 नंबर मिलता है, यानी कि टोटल 20 नंबर मिलता है। और इसकी जो अप्रैल एग्जाम 2021 में जो होने वाला है अप्रैल एग्जाम, उसकी जो अंतिम तारीख है सबमिट करने की वो है आपका 31 जनवरी। ठीक है, अब चलिए हम आपको हिंदी जो मैंने डाउनलोड किया था उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सभी प्रश्नों को उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे सामने तो अंक नहीं दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है 1, 2, 3 ये 2-2 नंबर का है, चौथा और पांचवा 4-4 नंबर का है, और ये जो है छठा 6 नंबर का है। तो टोटल आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन दिया रहता है, हर सब्जेक्ट में 6-6 क्वेश्चन दिया रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसमें जो लिखना है आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अनुक्रमांक जिसको इंग्लिश में इनरोलमेंट नंबर कहते हैं या रोल नंबर कहते हैं, रोल नंबर लिख सकते हो, अध्ययन केंद्र यानी कि AI सेंटर जिसको स्टेट सेंटर कहते हैं वो आपके आईडी कार्ड में लिखा रहेगा, आपको वाला कोड लिखना है, उसका विषय किस विषय का आप लिख रहे हैं, जैसे कि हिंदी का लिख रहे हैं तो हिंदी लिखना है, इस तरह से आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आपको 40 से 60 शब्दों में एक ही प्रश्न का दिया देना है उत्तर। यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि क और ख 2 है, तो इन दोनों में आपको एक ही करना है। इस तरह सारे क्वेश्चन में दिए हैं, 6 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो आपको एक ही करना है। और इसके लिए यहाँ पे साइड में रेफरेंस भी दिया गया है कि आप ये पार्ट 2 देखें, आपको टेक्स्ट बुक जो मिला है उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि पार्ट 2 में इसका आंसर ढूंढना है, फिर पार्ट 20 में इसका आंसर ढूंढना है, इस तरह से करके आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट हर साल स्टूडेंट की हेल्प के लिए सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि चार्जेबल होता है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छे आंसर्स प्रदान करें ताकि उनको अच्छे नंबर मिले। तो आप इनका सॉल्यूशन वगैरह अगर लेना चाहते हैं, सॉल्व असाइनमेंट जिसको कहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना असाइनमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड गाइड बुक्स अगर किसी को चाहिए होगा या प्रैक्टिकल फाइल, आपको हमारे वेबसाइट ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे बच्चों, ये असाइनमेंट जो है ये अप्रैल एग्ज़ाम के लिए है जो 2021 में होने वाला है, उसके लिए ये असाइनमेंट है, ये अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।